नाना क्या बात है, तेरी बहन का नाम पेपर में आया है रे। मीनाक्षी का नाम अखबार में। नाना क्या लिखा है मीनाक्षी के बारे में? क्या लिखा है? आई बाबा जी, अपनी मीनाक्षी का नाम अखबार में आ गया। मीनाक्षी के बारे में क्या लिखा है जरा बताओ। सुनिए सुनिए, ठीक से सुनिए। ब्राह्मण परिवार की लड़की, उम्र 22। सब के सब झूठे हो, सब नरक में जाओगे, वहां सड़ सड़ के मर जाओगे। झूठ लिखने से किसी की शादी नहीं होगी, ये वंश निर्वंश हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, बारिश गिरेगी, ये सारा घर बह जाएगा। सासू भाई, आप काले चश्मे के अंदर सिनेमा देखना बंद कीजिए। नाना तो पढ़ा गए। ब्राह्मण परिवार की लड़की, उम्र 22, शर्मिली। कौन शर्मिली? मीनाक्षी। शर्मिली शायद मवाली लिखना था, घरेलू है, उसमें है वो सारे गुण जो एक आदर्श भारतीय पत्नी में हो। बिल्कुल बालाजी ब्रांड हिंदी सीरियल बहू की तरह, खाना पकाने में माहिर, बड़ों का आदर सम्मान, बच्चों से लगाओ और पूजा अर्चा में दिन रात व्यस्त। ये सब अपनी मीनाक्षी के बारे में लिखे है। अरे ये भी कोई शादी का इश्तिहार है? किस गधे ने लिख कर भेजा ये सब? मैंने लिख कर भेजा ये सब। आज का जमाना, आज का इश्तिहार। अब देखते रहो कैसे तगड़े अमीर नौजवान इस गली का रास्ता ढूंढते हुए आएंगे। हाय अम्बा भाई, आज पहली बार इस खानदान में किसी का नाम अखबार में आया है और चारों ओर फैल गया है। मीनाक्षी, मीनाक्षी भारती की इस सेवा में आप सबका स्वागत है। अश्लील गीत माला। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं देवी फिल्म का गाना इमोशनल अत्याचार। गाने को सुनना चाहेंगे पुणे से नाना देशपांडे और उनके चार कुत्ते। उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है अपनी बहन मीनाक्षी को। मीनाक्षी जो कभी सपनों के अंदर तो कभी बाहर कूदती भागती रहती है और ये देखना पड़ता है कि वो इस वक्त वाकई में कहाँ है। साथ में सुनना चाहेंगी उनकी दादी जिनका दिल और दिमाग उनके सोने के दांतों से ज्यादा चमकीला और महंगा है। साथ में उनकी अति उत्तेजित माताजी सावित्री और अति विसर्जित पिता गणेश राव। तो चलिए बैंड बाजे गाजे के साथ सुनते हैं देशपांडे परिवार की ये फरमाइश इमोशनल अत्याचार। मीनाक्षी, सासू भाई, आज एक नहीं दो दो खुशखबरी, हमें हमारा कचरे का डिब्बा मिल गया, हमारा अपना। अब बस मैं यहीं से कचरा फेंकूंगी। ये ऐसे, ये क्या कर रही हो आई? ऐसे आई, देखो कुछ जल रहा है, चलो मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है, आज फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। पता नहीं ये जॉब कब मिलेगा मुझे। अब तू कहीं नहीं जाएगी मीनाक्षी, अब अगर कहीं तू जाएगी तो सिर्फ अपने पति के घर। अगर पति के घर जाने का रास्ता इस कचरे के ढेर से होकर गुजरता है ना, तो बन चुकी मेरी जिंदगी। हाँ। कौन आएगा मुझे यहाँ देखने? क्या पता बताओगी तुम लड़के वालों को कि हेलो, वो कॉलोनी में वो जो आखिरी घर है ना पुराना, जिसके सामने वो बड़ा कचरे का ढेर है, उस ढेर के बिल्कुल पीछे। और अगर आप उस गंदगी को पार करके अंदर भी जाओगे तो धुएं से खास खास के मर जाओगे। क्यों? लड़की के बाबा जो एक साथ दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार सिगरेट्स पीते हैं और
और दरवाजे पे भौंकने वालों में से एक आध कुत्ता आपकी पतलून फाड़ दे। थैंक्स टू लड़की का ओवर स्मार्ट 10th फिल्म निकम्मा भाई नाना, जिसे कुत्तों का दुख देखा नहीं जाता, जो हर रात घूम घूम कर कुत्तों को इकट्ठा करके घर ले आता है उन्हें आसरा देने के लिए। चांदी सोना दिलबर जाने मन, देखा इस देश में ना कुत्तों के लिए जगह है, ना कुत्तों से जी लगाने वाले इंसानों के लिए। साफ सुथरा और शांत घर मिल जाए तो किसी स्मगलरों या शाप शूटरों से भी शादी करके भाग जाऊंगी इस पागलखाने से। अय्या कितनी सुंदर लड़की है, कितनी स्मार्ट है, शार्प शूटरों से क्यों शादी होगी तेरी? अग भाई क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या हंसी है। हाँ घर के लोग थोड़े पागल हैं, पर लड़की तो कमाल है। जल्दी आना, आज दो आ रहे हैं, 6 बजे 9 बजे। हाँ हाँ क्यों नहीं, फ्राइडे का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है, टिकट तो बेचे ही होंगे आपने ब्लैक में। बाबा ये क्या कर रहे हो? हेलो, ये सारे फोन्स फेक क्यों नहीं देते? हेलो, देखो हमें हमारे कचरे का डिब्बा भी मिल गया है। हेलो हेलो, पता नहीं 1983 में रिपेयरिंग के लिए आए थे, अभी तक कोई वापस क्यों नहीं गया। नाना मुझे स्कूटर की चाबी दे। नाना मला उशीर होतो है, दे मला चाबी। प्लीज नाना दे। पहले दिलबर और जाने मन से माफी मांग। जास्त शांत बना करो ना कोस। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, हराम करो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मम्मी तुझे जब मम्मी कुत्रिया क्यों बोली? कुत्रिया मत बोल। उसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। चाहिए आपको पाउडर चाहिए जी? टचअप करना है आपको? टचअप सर, मेरे सर्टिफिकेट्स। मीनाक्षी देशपांडे जी, तुम्हें क्या लगता है? जी वैसे तो मुझे बहुत कुछ लगते रहता है सर, पर अभी मुझे लगता है कि आप प्लीज मुझे ये जॉब दे ही दो। साड़ियाँ कौन से रंग की पहनती हो? जी पीले रंग की। अगर तुमने स्कूटर खरीद ली तो वो कौन से रंग की होगी? पीले रंग की। मिठाई कौन सी पसंद है? पेड़े, गोल गोल, अपने पुणे के महंगे पीले पेड़े। अरे तो तुम्हारा तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है? जी लाल। फैंटास्टिक, द जॉब इज योर्स। सच्ची? गो, डोंट वेस्ट माय टाइम। ऑफिस के बाहर जाओ, सीढ़ियां है, ऊपर जाओ, 5 कमरे छोड़ के अंदर जाओ, वहां पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है सर? कौन? गो, डोंट वेस्ट माय टाइम।